हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाने वाली हूँ मैं शाही लौकी की सब्ज़ी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे बनाना बहुत आसान है। घर में मौजूद सामान से मैं आज शाही लौकी की सब्ज़ी बनाकर दिखाऊंगी। पहले हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने एक बड़ा प्याज काट कर लिया है, 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और ये हमने करीब 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को रफली मोटा मोटा काट लिया है। ये हमने 8-10 काजू टुकड़ा लिए हैं। अगर आपके पास मगज के बीज हो तो इस समय 1 चम्मच मगज के बीज भी डाल लें। 2 छोटी इलायची, 3 हरी मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी डालेंगे, करीब 1 कप पानी डाल देंगे। सारी चीज़ें सॉफ्ट होने तक इन्हें उबाल लेंगे। तब तक हम ये लौकी छीलकर काट लेते हैं। इधर ये हमारी सारी चीज़ें उबलकर सॉफ्ट हो गई हैं, इन्हें उतारकर थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। इधर हमने एक कढ़ाई गैस पर रख ली है, इसमें 2 बड़ी चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। 2 पत्ते तेज़पात के डालेंगे। ये 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, इन्हें डाल देंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। ये हमने 1 बड़ा टमाटर बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी डालकर थोड़ी देर भून लेंगे। भूनते समय इसमें थोड़ी नमक डाल देंगे। नमक आप इस समय ध्यान से डालें, क्योंकि थोड़ी नमक हम ग्रेवी वाले मसाले में भी डाल चुके हैं। देखिए, टमाटर भूनकर थोड़े सॉफ्ट हो गए, तो अब डालेंगे हम इसमें कटी हुई लौकी। साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी डालकर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर 8-10 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे, ताकि लौकी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये मसाले हमारे सारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इन्हें मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने मसालों को बारीक पीस लिया है। चलिए तो लौकी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम ये पिसे हुए मसाले को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर और कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए लौकी को देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी लौकी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब डालेंगे इसमें हम होममेड मलाई, जो कि हम दूध से निकालते हैं। इसे शाही लौकी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लौकी बहुत ही क्रीमी लगेगी। और अब डालेंगे कसूरी मेथी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारी शाही लौकी बनकर तैयार है। कितनी बेसिक मसालों से बनी है, पर खाने में बहुत लाजवाब है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।